hello good morning students today we are study about the class 10th chapter number 14 source of energy it, uh, this chapter is the last chapter of the physics in 10 okay and in this chapter we will study about the what is the uh, source of energy okay uh, conservation of the energy and uh, types of the energy like conventional energy and non conventional energy and renewable energy and non renewable energy, okay. And solar and en solar energy, hydro electric power plant, and biogas, biomass, your yeah, biofuel, okay. And uh, thermal power plant, ocean thermal energy, yeah, ocean energy, okay. So, all these types of energy. वर्क so so first, uh, okay. uh, तो work. Work करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा वर्क ठीक है कोई भी पर्सन में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वर्क कर सकता है तो एनर्जी का बेसिक मींस क्या होगा टू टू डू डू द द वर्क वर्क या कैपेसिटी ये हमने जो क्लास में भी पढ़ा है है ठीक जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्थ वर्क पावर एनर्जी में ये चीजें पढ़ी ठीक है थीके? तो बेसिक आपने वहां पे पढ़ा हुआ है बस उन बेसिक्स का हमें यहाँ पे यूज लेना है ठीक है तो अब देखो फिर हमने वहां पे क्या भी पढ़ा था हमने एनर्जी का मतलब समझ लिया व्हाट इज द एनर्जी एंड हमने वहाँ एक और चीज पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है देखो एक लॉ है एनर्जी का कि एन, ए, ए मतलब लॉ ऑफ द कंजर्वेशन क्या बोलता है एनर्जी ना इधर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म दैट मीन्स एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जाता है न नहीं खत्म किया जा सकता है दैट मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं ओनली वन पार्ट से अनोदर पार्ट में कन्वर्ट या वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बट एनर्जी को हम कभी भी मतलब ऑप्टेन uh, नहीं कर सकते और नहीं इसको मतलब फिनिश कर सकते मतलब ख़त्म कर सकते बस क्या कर सकते हैं इसकी uh, मतलब चेंज कर सकते हैं इसको वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म ठीक ठीक है जैसे कि कैंडल है ठीक है तो कैंडल को हमने जलाया तो देट मीन्स उसमें क्या हुआ केमिकल एनर्जी है अब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में ठीक है तो देट मीन्स एनर्जी वन एनर्जी किस में फॉर्म हो रही है अनोदर एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी किस कौन सी एनर्जी में फॉर्म हो रही है लाइट एनर्जी में ठीक है और इसी तरीके से जैसे कि मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट को लेटे कंसिडर ये न, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैंने क्या रखा यहाँ तक ले गया तो देट मीन्स क्या हुआ इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में या फिर जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाया तो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें अब इसको मैं यहाँ से गिराऊंगा तो देट मीन्स ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो देट मीन्स एनर्जी हमने वहां पे भी पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है कॉन्स्टेंट तो वही वो किसके अनुसार किस uh, कि okay? तो अब हम आगे देखते हैं ठीक है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो, uh, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी तो जैसे नेचुरल सोर्स की बात करो देखो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में जैसे कि आपकी जैसे ट्यूबलाइट वगैरह आ जाती है और नेचुरल में जैसे कि सन ठीक है ये सब क्या है नेचुरल स्टार ये सब क्या है नेचुरल एनर्जी सोर्सेज ठीक है थीके? तो एनर्जी इज द एबिलिटी देखो अब यहाँ देखो आप एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू द वर्क और द टोटल पावर डेरा नेचुरल रिसोर्सेज ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई एनर्जी क्या होती है वर्क द टोटल पावर डेरा नेचुरल रिसोर्स और जो टोटल पावर कहाँ से डेराइव होती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से द एनर्जी एक्सिस्ट इन मेनी फॉर्म एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू अन फॉर्म दैट मीनस क्या बोल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन लो के बारे में बता रहा है जो भी मैंने समझाया आपको ठीक है एनर्जी इन यूज फॉर्म इज डिस एनर्जी क्या होती है एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब पर इसको खत्म नहीं कर सकते ठीक uh, like है एनर्जी इज मेनली डराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक द सन और एनर्जी हमें कहां से मिलती जो नेचुरल सोर्सेज लाइक सन ओशियन फोजाइल फ्यूल फोजाइल फ्यूल जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं अर्थ से मिलते ठीक है थीके? जैसे कि कोल वगैरह ठीक है ये सब क्या है फोज़ाइल फ्यूल पेट्रोल डीजल ठीक है ये सब क्या है सन नेचुरल सोर्स ओशियन ओशियन से भी देखो हमें तीन तरह की एनर्जी मिलती है थर्मल टाइड और वेव ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है विंड एक्सेट्रा एंड इज़ कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देट वी कंज्यूम फॉर आवर डेली नीड एंड बेनिफिट और अब ये एक चीज बता दूँ देखो जो मैक्सिमम एनर्जी यूज होती है हमारे डेली लाइफ में वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल देखो जितनी भी एनर्जी आपने देखी है हम सब उसको किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में जैसे कि विंड एनर्जी ले लो आप सोलर एनर्जी ले लो आप ठीक है हाँ हाइड्रोलिक एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट में ठीक है या थर्मल एनर्जी तो इन सब से हम क्या बना रहे है? मतलब एटलीस्ट बना क्या रहे हैं लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो दैट मीन सबसे पावरफुल कौन सी सबसे यूजेबल वो इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे यूजेबल है ठीक है अब हमने एनर्जी की बात कर ली एनर्जी होती क्या है एनर्जी के सोर्सेज की बात कर ली एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी की बात कर ली अब देखो एनर्जी की बात कर ली अब देखो एनर्जी सोर्सेज की बात कर ली अब ठीक है अब हम बात करेंगे फ्यूल की या एनर्जी या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ठीक है तो व्हाट इज अ गुड फ्यूल ठीक है सोर्स कैन भी क्लासीफाइड देखो अब एनर्जी आ, एक चीज और बता दूं एनर्जी कितनी तरह की होती है दो टाइप की होती है एनर्जी मेनली दो टाइप की होती है एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक होती है नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग दो टाइप की रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और एक होती है कन्वेंशनल एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अब देखो कन्वेंंस देखो कन्वेंशनल एनर्जी देखो कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी देखो कन्वेंशनल एनर्जी वो होती है जो कि बहुत पहले से मतलब जो बहुत पहले से चली आ रही है। और नॉन कन्वेंशनल जो अभी-अभी हमने यूज करी है। मतलब जो प्रोसेस हमने अभी जिस एनर्जी को अभी हमने डिस्कवर किया है अभी कुछ मतलब अभी अभी जस्ट अभी भी नहीं मतलब कुछ टाइम पहले ही कुछ सालों पहले कुछ इयर्स uh, पहले ठीक है और जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होगी ये कन्वेंशनल एनर्जी क्या होगी जो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं जैसे कि कोल ठीक है थर्मल पावर प्लांट में कोल तो कोल का हम कब से यूज कर रहे हैं ठीक है वुड ये सब क्या है हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है तो ये सब कौन से सोर्सेज हैं कन्वेंशनल कन्वेंशनल नॉन में कौन सा आ जाएगा जैसे कि सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ठीक है? ये सारे जीओ, देखो जीओ से पहले भी मानते हैं जहां तक लगता है, तो एनर्जी है वो मोस्टली जियो थर्मल एनर्जी वो कौन सी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ठीक है तो देखो बच्चे कहाँ पे इसमें कंफ्यूज हैं कि कन्वेंशनल uh, एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अब देखो मैंने क्या बोला कि एनर्जी टू टाइप्स की होती है ठीक है ठीक है ये एनर्जी टू टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू यूजेज तो कन्वेंशनल uh, और नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ठीक है अब देखो कन्वेंशनल का मतलब ये नहीं होगा कि ये नॉन रिन्यूएबल होगी या नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये नहीं होगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सारे सोर्स जो भी है मतलब कन्वेंशनल का मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या कन्वेंशनल एनर्जी क्या होगी जो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं ठीक है और नॉन कन्वेंशनल जो अभी अभी डिस्कवर हुई मतलब राइट right नाउ नहीं uh, मतलब जैसे कि कुछ ईयर पहले ठीक है तो ये वो कौन सी होगी नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का एग्जैक्ट मीन्स क्या है रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं मतलब एक बार यूटिलाइजेशन के बाद उसको वापस री कर सकते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी ठीक है विंड एनर्जी इनका एक बार यूज करने के बाद वापस देखो सन sun, सनलाइट का हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये कौन सी एनर्जी हुई रिन्यूएबल एनर्जी बट यदि नॉन यदि मैं नॉन रिन्यूएबल की बात करूँ तो जैसे कि उसमें हम बात कर सकते हैं फोजिल फ्यूल ठीक है ये जैसे कोल वगैरह जैसे कोल एक बार जल गया या जैसे कि जो फोजल फ्यूल फोजिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम गैस ये देखो एक बार इनका यूटिलाइजेशन हो गया तो वापस ये नहीं आ सकता है मतलब वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया है ठीक है उसका हम दोबारा यूज नहीं कर सकते तो देट मीन्स रीन्यूएबल का तो रीन्यूबल एनर्जी कौन सी होगी जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं जैसे कि सन सोलर एनर्जी और और कौन सी होगी हमारी विंड एनर्जी ठीक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है तो ये सब कौन से होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होगी जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जैसे कि उसमें क्या यूज करते हैं अपन कोयला कोल कोल यूज करते हैं एक बार कोल बर्न हो गया देन उसको हम वापस री नहीं कर सकते क्योंकि वह किस में कन्वर्ट हो गया आप क्ले में ठीक है तो ये तो मतलब बेसिक मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एंड रीनबल एंड नॉन रीनूएबल ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे कन्वेंशनल uh, को क्या मान लेते हैं नॉन रीन ठीक है और नॉन कन्वेंशनल को क्या मान लेते हैं रिन्यूएबल जबकि ऐसा नहीं ठीक है अब अब देखो अच्छी एनर्जी क्या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा ठीक है सोर्स कैन बी क्लासिफाइड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने आपको समझाई दिया क्या होता है ठीक है एनी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट गेट दो तरह के होते हैं गुड फ्यूल और बेड फ्यूल तो गुड फ्यूल देखो गुड फ्यूल होता क्या है मतलब हमें किस तरह के फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि देखो एक तो सबसे पहले चीप हो मतलब इकोनॉमिकली हो जिसको मतलब ए, एक तो फ्यूल इतना महंगा हो कि जिसको हम खरीद ही नहीं सके ठीक है तो फ्यूल क्या होना चाहिए इकोनॉमिकली या चीप होना चाहिए मतलब सस्ता होना चाहिए ठीक है और इजीली अवेलेबल होना चाहिए आसानी से अवेलेबल हो जाए ठीक है और इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मतलब उसको आसानी से स्टोर किया जा सकता हो और आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जा सकता है एक तो ऐसा फ्यूल ले लें हम जिसको हम ट्रांसफर क्योंकि देखो फ्यूल्स एक जगह पे यूज़ नहीं होता देखो यहाँ से हमें क्योंकि फ्यूल्स को ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है जैसे कि आ, अभी फ्यूल्स कहाँ पे मेनली फ्यूल्स कहाँ पे होता है जो एक खा जो मतलब जो खाड़ी कंट्रीज होती है ठीक है जैसे कि यूएई इराक ठीक है ईरान इधर तो वहाँ से हम क्या करते हैं वहाँ से ये लेते हैं तो मतलब ट्रांस तो इजीली मतलब क्या होना चाहिए इजी स्टोर और ट्रांसफ़र होना चाहिए ठीक है और इट शुड नॉट प्रोड्यूस सूट एंड एश मतलब सूट और ए प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ठीक है और इकोनॉमिकल ये होना ही चाहिए और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास मतलब कम मास में क्या होना चाहिए ज्यादा वर्क करना चाहिए एक तो मतलब जैसे कि हमने देखा है जैसे कि वुड एक तो वुड लो आप और एक लेटेस्ट कंसिडर आप लो पेट्रोल तो मतलब इतनी सारी वुड जैसे कि हम इतना इतनी सारी वुड लेंगे तब जाके वो काम हो रहा है और वो काम इतना सा मतलब कुछ फ्यूल पेट्रोल ही वो काम कर देता है ठीक है तो देट मीन्स वो क्या ना चाहिए कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फ्यूल की ओके और देखो और और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं ठीक है इट शुड बी अवेलेबल इन एन अप्रोप्रिएट कोस्ट या मतलब इकोनॉमी के लिए जो हमने बात करी ली ठीक है अब फोजिल फ्यूल एंड थर्मल एनर्जी ठीक है फोजिल फ्यूल क्या होते हैं फोजिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो अभी आगे पढ़ेंगे ठीक है फोजल फ्यूल क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम मैंने ही दिया क्या होता है जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं जिनका यूज हम बहुत पहले से कर रहे थे सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन इन यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम और हैव बीन एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वुड देखो वुड एज अ कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी और द यूज ऑफ कोल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो देखो वुड का यूज हम कब कर रहे हैं बहुत पहले से ठीक है और जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है तब से हम कोल का यूज कर रहे हैं ठीक है तो दैट मीनस ये कौन सा सोर्स सो हो गया कन्वेंशनल ठीक है एग्जाम्पल फोजिल फ्यूल हाइड्रो पावर तो ये कौन से हो गए कन्वेंशनल ठीक है अब हम बात करें फोजिल फ्यूल की तो फोजिल फ्यूल क्या होता है तो फोजिल फ्यूल क्या होता है hundreds of millions of year ago the uh, dead bodies of microscopic plants and animals collected at the bottom of the ocean yeah earth hence they were covered with layers of mud and sand at this location condition of high pressure and temperature were created naturally which changes this into a black liquid or cold uh, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ये सब क्या होते हैं तो मतलब ये मिलियन ऑफ ईयर जो अर्थ के टेम्परेचर में या हाई प्रेशर्स में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं फोजल फ्यूल ठीक है तो फोजिश फ्यूज फ्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर और मिलियन ऑफ ईयर्स बर्न डीप अंडर द अर्थ क्यों क्या होता है ये देखो ये, ये वुड दे, प्लांट्स ये भी क्या होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं सन से एनर्जी कंटिन्यूसली गेन करते रहते हैं ठीक है ठीके? तो ये क्या होते हैं जब अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर तक मतलब क्या होते हैं रहते हैं और तो क्या होते हैं अंदर से हीट उसकी जियो हीट अर्थ की हीट के और प्रेशर के कारण के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स में ठीक है जैसे कि कोल और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम वगैरह ठीक है थीके? तो यही तो क्या है फोजिल फ्यूल फ्यूल वी रियली ऑन फॉर मोस्ट ऑफ आवर वर्क देखो अभी तक तो हम मोस्टली जो फोजिल फ्यूल का ही यूज करते हैं जैसे कि हम खाना बनाने के लिए पहले किसका यूज करते थे फूड के लिए कुकिंग के लिए वुड का और हम बात करें अभी गाड़ियाँ वगैरह जो भी चल रही है मैक्सिमम पेट्रोल डीजल से चल रही है तो ये क्या है सब फोजिल फ्यूल तो मैक्सिमम हमारा वर्क किसी से किससे हो रहा है फोजिल फ्यूल से हो रहा है और हमारे पास वर्ल्ड का इंडिया के पास वर्ल्ड का सिक्स परसेंट ठीक है ये फोजिल फ्यूल है ठीक है और अभी भी इतना है हमारे पास कि टू मतलब टू फिफ्टी ईयर और चल सकता है बट देखो ये एक बार खत्म हो गया तो वापस नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो हमें इनको इनको कंजर्व करना चाहिए ठीक है इनका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक टाइम आएगा कि जब ये क्या हो जाएंगे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ठीक है

कंट्री कब डेवलप होगी जिसके पास मतलब कोई भी कंट्री सबसे ज़्यादा वो डेवलप कंट्री होगी जिसके पास एनर्जी सोर्सेज सबसे ज़्यादा होगी ठीक है वो कंट्री सबसे डेवलप कंट्री कंट्रीजेंट क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए क्या चाहिए एनर्जी चाहिए तो जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतना ही पावरफुल है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना और आने वाला जो वर्ल्ड वार होने वाला है वो एनर्जी ये एनर्जी के लिए वोटर इनके लिए भी होने वाला है ठीक है

कोजेज एयर पोल्यूशन इससे क्या होता है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है ठीक है बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस हार्मुल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर्स पोल्यूट द एयर लीडिंग टू एसिड रेन और इसी की वजह से क्या हो रही है एसिड रेन वगैरह आपने तो सुना होगा ना कि जो जो ताजमहल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है उसका मतलब वो जो ब्राइटनेस है उसके पत्रों की कम होती जा रही है क्योंकि एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है वो बिल्कुल घिसता जा रहा है ठीक है रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज एमिटेड बाई द कम्बंशन ऑफ फोजिल फ्यूल्स आर द मेन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग जो कम्बंशन से जो फोजिल फ्यूल से जो गैसेज निकल रही वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रही है किसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए ठीक है तो मतलब ये हमारे लिए के लिए बहुत हार्मुल है ठीक है तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवाटेज है थर्मल पावर प्लांट अब देखो थर्मल पावर प्लांट होता क्या है देखो थर्मल मतलब थर्मल का मतलब हीट एनर्जी ठीक है तो हीट एनर्जी का यूज अपन किस में? मतलब देखो हम जितने भी पावर प्लांट पड़ेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन पढ़ेंगे क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ आपको देखो जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन पड़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे वो कॉमन ठीक है वो कॉमन चीज क्या होगी कि हम हर चीज में क्या करेंगे जो टर्बाइन होगा उसको रोटेट कराएंगे टर्बाइन अब टर्बाइन होता क्या है टर्बाइन एक मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस होता है ठीक है जो कि रोटेट करता है इसके ऊपर हम या तो देखो कभी स्टीम की स्ट्राइक कराएंगे या कभी वाटर की ठीक है मतलब जिससे क्या हो? ये देखो ये रोटेशन मिलेगा तो इसको किससे कनेक्ट करते हैं जनरेटर से या डायनेमो से जो ठीक है तो ये जन ये रोट मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कनेक्ट हो तो जाएगी कुल मिला के हमें इस टरबाइन को रोटेट कराना है जिससे क्या होगी ये रोटेशन किसको ट्रांसफर करेंगे हम जनरेटर को जिससे क्या हो जाएगा हमारी हमारे एनर्जी हमें एनर्जी मिलेगी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो ये चीज़ सभी में कॉमन होगी तो थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है देखो थर्मल पावर प्लांट देखो मेनली चार तीन से चार एक तो क्या होता है इसमें एक एक होता है बॉयलर लेटेस्ट कंसिडर ये हमारा बॉयलर है फिर ये किससे कनेक्टेड ये यहाँ से नोजल होता है अब नोज़ल किससे कनेक्टेड होता है यहाँ से अब नोज़ल से जो स्टीम होती है उसको स्ट्राइक कराया जाता है टर्बाइन पर ये टर्बाइन किससे कनेक्टेड होता है यहाँ पे जनरेटर से ठीक है अब ये जो स्टीम आती है ठीक है ये स्टीम कहाँ पे आएगी कंडेंसर ये कंडेंसर में ये हमारा कंडेंसर होता है ठीक है अभी बताऊंगा कंडेंसर का क्या वर्क होता है फिर ये किससे कनेक्टेड होता है इससे ठीक है देखो ये बॉयलर होता है ये क्या है हमारा बॉयलर ठीक है तो यहाँ क्या होगी यहाँ जिसको देखो हम कोल जला के या कोई भी गैस वगैरह जला के क्या करेंगे इसके अंदर वाटर फिल होता है तो वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बॉयलर क्या होता है बॉयलर एक डिवाइस होता है जो कि वाटर को किस में कन्वर्ट करता है हीट में और ये प्रेशर से यहाँ से क्या स्टीम कहाँ पे जाती है नोजल में और नोजल फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है तो ये का ये जो हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी जो स्टीम होगी उसको हम किस पे कराएंगे टरबाइन तो इससे क्या होगा टरबाइन रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा तो ये रोटेशन मिलेगा जो रोटेशन मिलेगा तो ये रोटेशन हम किसको देंगे जनरेटर को ठीक है तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है अब देखो अभी स्टीम को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडेंसर होता है कंडेंसर क्या करता है इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करता है मतलब इसका फेच मतलब क्या कर करेगा इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा मतलब यहाँ पे इसकी कूलिंग किया जाता है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ये जो स्टीम होगी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस फिर इसको रिसाइकिल कर दिया जाता है अब देखो हमने स्टीम को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं किया क्योंकि वाटर के कंपेयर में मतलब आई मतलब गैस के कंपेयर में वाटर की जो हीट ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है ठीक है इस वजह से हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके वापस बोले ताकि यहाँ पे हीट हमें कम देना पड़े तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली साइक्लिकली चलती रहती है इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये कौन सा पावर प्लांट है हमारा थर्मल पावर प्लांट ठीक है तो देखो थर्मल पावर प्लांट यूज स्टीम प्रोड्यूस बाय बर्निंग फोजिल फ्यूल अब फोजिल फ्यूल जला के हम क्या जनरेट करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं जनरेट स्टीम किसके अंदर बॉयलर के अंदर तो बॉयलर के अंदर फिर हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है ठीक है अब वो मेनली इसमें हम को, कोल थर्मल पावर प्लांट में मेनली हम किसका यूज करते हैं है? कोल का ठीक है तो देखो सभी की प्रोसेस में हम क्या कर लेंगे टर्बाइन को रोटेट कराएंगे और उससे ही हमारी जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ठीक है टू मूव द टर्बाइन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी द बर्निंग ऑफ कोल हीट अप द वाटर एंड फॉर्म स्टीम दैट इज यूज्ड टू रन द टर्बाइन टर्बाइन क्या होता है मैंने बताया टर्बाइन एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एक मैकेनिकली रोटेरी डिवाइस होता है ठीक है यूजुअली थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड नियर कोल और ऑयल फील्ड एज इट इजेड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी देन ट्रांसपोर्ट कोल देखो इसको देखो एक तो मतलब जहाँ पे जो वाटर की जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती है वहाँ पे किया जाता है उसके साथ साथ जहाँ पे मतलब जैसे कि कोल कोल जहाँ पे मतलब हाँ, सही मिलता हो मतलब जहाँ पे पास में हो ए, एक तो ऐसा है मतलब ट्रांसपोर्ट कोस्ट ही मतलब, बहुत दूर, जो, मतलब कोल की जो माइंस होती है उसके पास में ही प्लांट लगाए जाते हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट कोस्ट है वो बच जाए मतलब आसानी से कोल प्रोवाइड कर दिया जाए जो, या जो भी जिस सोर्स से भी हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं मतलब उसको बर्न कर रहे हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो वो जो जैसे कि जो भी गैस वगैरह या जो भी फ्यूल वगैरह यूज कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए कहने का मतलब क्योंकि यदि दूर होगा बहुत ज़्यादा तो ट्रांसफोट कॉस्ट ही इतनी हो जाएगी तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हो होगी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी ठीक है तो ये चीज़ें अब देखो अब यदि इसके एडवांटेज की बात करें डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी ठीक है अब देखो यदि मैं एडवांटेज की बात करूं तो क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखो यदि मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या होता है इससे देखो uh, कोल एक बार जल गया तो क्या होगा वापस यूज होगा क्या नहीं होगा ठीक है वापस यूज़ नहीं होगा भाई क्या आप भी जानते हो ठीक है और ठीक है चलो हाइड्रो और uh, एडवांटेज बहुत सारे हैं इसके ठीक है कि इजी वे में हमें क्या मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी uh, जनरेट हो जाती है ठीक है और इंस्टॉलमेंट कॉस्ट इतनी नहीं आती है तो बहुत सारी चीजें अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की ठीक है हाइड्रो पावर प्लांट में होता क्या है देखो हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो का मतलब क्या होता है हाइड्रो मतलब वाटर वाटर पावर मतलब एनर्जी ठीक है तो वाटर के थ्रू पावर जनरेट करना प्लांट में ठीक है तो हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी को किस तरह जनरेट किया जाता है वो देखो आप देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक ही होता है तो इसमें क्या किया जाता है जो सबसे पहले तो इसको मतलब डैम होता है डैम क्या होता है मतलब एक डैम डैम के अंदर क्या होता है डैम में हम क्या करते हैं वाटर को स्टोर करते हैं ठीक है ठीके? और उस स्टोर वाटर को क्या किया जाता है किसी मतलब वाटर को वहाँ से लेके फिर क्या किस पे स्ट्राइक कराया जाता है टर्बाइन पे ठीक है मैंने बताया इससे पहले मैंने आपको बताया था हमें हर जगह पर टर्बाइन को रोटेट कराना है तो देखो ये हमारा डैम है ये हमारा डैम है ठीक है ये देखो ये हमारा डैम है ये हमारा डैम है ठीक है अब देखो यहाँ से वोटर ये गया ये वोटर आया यहाँ हमने क्या लगा रखा है टर्बाइन तो ये क्या करेगा इसको टर्बाइन को घुमाएगा इस तरीके से अब ये रोटेशन किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये देखो ये रोटेशन ट्रांसफर हो गए किसको यहाँ पे हमने इसको जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है तो इसको ट्रांसफॉरमर में ला के और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है ठीक है और ये वाटर निकल गया तो मतलब वाटर को स्टोर करके अब इसकी काइनेटिक एनर्जी का यूज करने देखो पोटेंशियल वाटर को स्टोर किया मतलब ने उसको पोटेंशियल एनर्जी आएगी ठीक है अब उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में और इसको स्पीड इस से ट्रांस इस्पीड किस पे स्ट्राइक कराया टर्बाइन पे और इस तरह क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई तो ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है मतलब हम वोटर के थ्रू मतलब हाइड्रो मतलब वोटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मतलब वोटर से हाई स्पीड वोटर से क्या करते हैं हम टर्बाइन को रोटेट कराते हैं उससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओके okay? तो ये देखो हाइड्रो पावर प्लांट देखो मैंने टर्बाइन के बारे में आपको बता दिया टर्बाइन इजे रोटेरी मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी इन वेरियस फॉर्म एंड कन्वर्टेड इंटू यूजफुल वर्क इट यूजेज डायनेमो टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी इंटू या तो डायनोमो यूज होता है डाइनोमो देखो, देखो फिक्स रोटेशन पर घूमता है ठीक है और तो मेनली हम जनरेटर और डायनोमर लगभग लगभग एक ही है ठीक है आप लोग और वेरियस यूज ऑफ दिस हैव बीन इन पावर प्लांट वेयर द शाफ्ट ऑफ द डायनोम इज मेड टू रोटेट बाय मैकेनिकल मीन्स तो उस जो डायन जो टर्बाइन होता है उसकी शाफ्ट किससे कनेक्टेड होती है जनरेटर या डायनोम से तो रोटेशन किसको प्रोवाइड करती है जिससे आपने आपने मेरीज वगैरह में देखा होगा जो इंजन लगा होता है जनरेटर जिसको बोलते हो तो वो क्या करता है उसमें हम क्या करते हैं पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो उससे क्या होता है वो रोटेट करता है ठीक तो है तो रोटेट मैकेनिकल वर्क देखो केमिकल एनर्जी हमने पेट्रोल डीजल डाला केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई मैकेनिकल में ठीक है अब वो मैकेनिकल रोटेशन किसको प्रोवाइड किया जनरेटर को ठीक है तो देट मीन्स उससे रोटेशन से उसने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं वही रोटेशन मिल रहा है किससे वोटर से टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक करा रहे हैं वोटर को और उससे क्या होगा रोटेशन मिला और उसको हमने किसको पे ट्रांसफ़र कर दिया जनरेटर को जिससे क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो हमें इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं ठीक है